जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल चिली स्पाइस बॉक्स में। दोस्तों आज चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ अदरक और हींग वाली खिचड़ी। अदरक और हींग वाली खिचड़ी सुन के हैरान हो रहे हैं ना, और ऊपर से मिट्टी का बर्तन, उस पर फिर तुलसी का पत्ता। हाँ, आप लोगों ने सही समझा, ये छप्पन भोग का ही एक रेसिपी है जो कि जगन्नाथ जी का बहुत ही पसंदीदा रेसिपी है। उनको ये खिचड़ी बहुत पसंद है। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप चावल और आधा कप मूंग की दाल लिया है। ये जो मूंग की दाल है ना दोस्तों, ये दली हुई मूंग की दाल है। और इन जो दाल और चावल है, इसको मैंने आधे घंटे पहले ना अच्छे से धो के, दो तीन बार नॉर्मल पानी से धोने के बाद इसको मैंने 30 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था, जैसे कि मुझे वीडियो में दिखाने के लिए जल्दी हो। और उसके साथ 2 से 3 तेज़पत्ता, 1 बड़ा चम्मच जीरा और 2 बड़े चम्मच अदरक लेंगे। अदरक की खिचड़ी है मतलब तो अदरक ज़्यादा रहेगा ना। और आधा छोटा चम्मच हींग लेंगे। हींग भी इसमें थोड़ा सा दोस्तों ज़्यादा डलता है, जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1 बड़ा चम्मच नमक और 1/3 कप घी लेंगे। घी तो जैसे कि मैंने आपको बताया छप्पन भोग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, लेकिन मैं कम यूज कर रही हूँ। और ऐसे ही आज भी इस तरह हम इसको मिट्टी के बर्तन में ही बनाएंगे। तो अभी दोस्तों मैंने यहाँ पे 1 कप चावल के लिए ना, मैंने यहाँ पे 5 कप पानी ले रही हूँ, क्योंकि इसमें दाल भी है और मिट्टी के बर्तन जैसे कि सोक कर लेता है, तो आप डरिए मत। तो 1 कप चावल के लिए मैंने यहाँ पे 5 कप पानी यूज किया है। अगर आप लोगों को लगे कि खिचड़ी बहुत नरम हो जाएगा तो आप 4 कप डाल के बाद में 1 कप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे कि मैं बताई हूँ कि इसमें कोई हम स्पैटुला यूज़ नहीं करते हैं, उसको मिक्स नहीं करते हैं, उसीलिए मैंने एक साथ 1 कप चावल के लिए और 1 कप और सॉरी आधा कप दाल भी तो है, तो 1.5 कप चावल और दाल के लिए मैंने 5 कप पानी यूज किया है। फिर पानी डाल के इसको ढक दिया था और 10 मिनट के लिए, देखिए 10 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा उसमें एक उबाल आ गया है। तो अभी उसमें ये तेज़पत्ता, अदरक और जीरा डाल देंगे, जो कि पानी में ना थोड़ा मिक्स हो जाएगा और हमें मिक्स भी करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि करना नहीं है ना मिक्स। तो इसके साथ ना मैं अभी नमक भी डाल देती हूँ, तो नमक भी पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आज मैंने एक गलती कर दिया है, ये पानी तो उबल गया है, अभी इसमें देखिए दाल चावल डाल रही हूँ, पानी भरा हुआ है, मेरा चावल कहाँ जगह आएगा। तो यही गलती दोस्तों आज मैं वीडियो का बनाते टाइम कर दिया है, तो आप लोगों से सॉरी बोल रही हूँ। और इसको ना मुझे एक अभी बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, और लकीली मेरे पास बड़ा मिट्टी का हांडी भी था जिसमें भी मैं छप्पन भोग बनाती हूँ, तो उसीलिए मैं वो बड़े बर्तन में इस छोटे वाली हांडी से शिफ्ट करूँगी। लेकिन इसको मतलब गरम गरम पकड़ना बड़ा मुश्किल है, तो आप मतलब मैं तो केयरफुली कर रही हूँ, लेकिन आप पहले से ही बड़े बर्तन में कीजिए। तो ये देखिए मैंने बड़े हांडी चढ़ा दिया है, उसमें मैं कोई टच नहीं कर रही हूँ, बस उस हांडी में जो दाल चावल सब डाली थी ना उसको पलट रही हूँ, और जो बाकी बचा जो दाल चावल था मैं इसमें इसको अभी डाल दूँगी, क्योंकि सारा दाल चावल तो मैं डाल नहीं पाई थी, और जब डालती तो ऊपर पानी बाहर आता, तो उसीलिए अभी इसमें मैं ये सारा दाल चावल डाल दूँगी। डाल के बस हमें ढक देना है, और 15 मिनट के लिए ढक के मीडियम फ्लेम पे हमें इसको पकाना है। अब 15 मिनट बाद देखिए कितना अच्छा उबाल भी आ गया है, और वो जो दाल चावल है ना वो भी ऊपर को दिखने लगा है। तो यहाँ पे तो हमें इसको ना स्पैटुला यूज करना है ना कुछ करना है, बस ऐसे ही हमें देख के इसको और कुछ नहीं करना है, इसको हमें ना फिर से ढक्कन लगा देना है, और ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए फिर से छोड़ देंगे। तो 10 मिनट उसको उबलते उबलते इस हींग को हम पानी में भिगो देंगे, क्योंकि जब हम स्पैटुला यूज़ नहीं करेंगे तो हींग कैसे मिक्स होगा। और जगन्नाथ जी के प्रसाद में भी दोस्तों जो बांधनी हींग होती है ना मोटी वाली, वो उसको पानी में भिगो के यूज करते हैं। ये तो मैंने पाउडर ही यूज किया है, लेकिन उसमें ना वो बांधनी हींग पानी में भिगो के उस पानी को यूज करते हैं, तो उसीलिए मैंने भी वही हींग वाला पानी, देखिए अभी इसमें हम डाल देंगे चावल में डाल के, फिर उसके साथ अभी हम यहाँ पे घी भी डाल देंगे, जिससे क्या होगा ये जो पानी बार बार जो दाल चावल का पानी बाहर आ रहा है वो नहीं आएगा। और डाल के इसको भी 5 मिनट के लिए हम ढक्कन लगा देंगे। 5 मिनट वैसे ही मीडियम फ्लेम पे ही कुक करेंगे। अभी 5 मिनट बाद मैं आपको ढक्कन खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए खिचड़ी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है और ऊपर भी नहीं आ रही है। बस इस जगह पे हमें क्या करना है, हमें ना मतलब गैस का जो फ्लेम है उसको बंद करना है, और ढक्कन लगा के इसको
30 से 40 मिनट या एक घंटे के लिए आप रेस्ट पे छोड़ दीजिए अगर आप लोगों के हाथ पे टाइम है। लेकिन दोस्तों मैं हाथ में टाइम रख के ही बनाती हूँ और जानबूझ के इसको 30 मिनट ऐसे ही छोड़ दी थी। और 30 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए पानी मेरा जो मिट्टी का बर्तन है पूरा सोख कर लिया है और खिचड़ी भी मेरा बड़ा अच्छा बन के तैयार हो गया है। लेकिन इसको मिक्स करने से पहले मैं भोग लगा दूँ, तो तुलसी के पत्ते से भोग तो लगा दिया, अभी आपको मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये मैंने जो मिट्टी के बर्तन में ही निकाल रही हूँ और आप खिचड़ी देखिए कितना अच्छा खिला खिला बना है। ये अगर और थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना दोस्तों, ये और भी खिले खिले बन जाएंगे। मतलब इसीलिए मैं बोलती हूँ जब मिट्टी के बर्तन में बना रहे हैं तो हाथ में ना 30 से 40 मिनट का टाइम रखना चाहिए। तो ये खिचड़ी को आप जो मीठा डाली है, कानिका है, या इसके साथ ना एक मोहरा बेसरा ये सब सब्जी यूज होता है, तो आप इन सब के साथ इस खिचड़ी को एंजॉय कीजिए। और भी दूसरे जो छप्पन भोग के रेसिपी बहुत सारे हैं, उन सब के लिए तो आपको चिली स्पाइस बॉक्स के साथ बने रहना पड़ेगा ना। थैंक यू।